गिरिडीह शहरी क्षेत्र के उपनगरी पचंबा में मेन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके चपेट में आकर एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने गिरिडीह पचंबा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोग विभागीय अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आपको बता दें, जहां शहरी क्षेत्र के उपनगरी पचंबा में मेन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे गिरिडीह संवाददाता श्रीकांत, इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गया है। श्रीकांत, मेन रोड पर मेन लाइन का तार टूटकर गिर पड़ा, जिससे एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। उस व्यक्ति की हालत फिलहाल कैसी और किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग हंगामा कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात यह बता दूं कि गिरिडीह जमुना मुख्य मार्ग पर जो है पचंबा के पास हाई टेंशन तार लगभग 11,000 वोल्ट का जो करंट है उस तार में दौड़ता है, वह तार जर्जर था, जिस तार के टूट जाने के बाद जो है एक व्यक्ति घायल हो जाता है, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया जाता है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल लोगों को समझा बुझा कर जाम हटा लिया गया है, लेकिन लोगों का जो आक्रोश था, लोगों ने जो जाम किया था वो आक्रोश बिजली विभाग के खिलाफ था, कि लगातार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद जो कि शहरी हिस्सा है, मुख्य शहर का बीचों बीच का इलाका है, उपनगरी इलाका है गिरिडीह जिले का, गिरिडीह शहर का, और वहां पर जब स्थिति इस प्रकार से लचर व्यवस्था है बिजली विभाग की, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि और जो ग्रामीण या दूर दराज के इलाके हैं उनमें बिजली विभाग कितनी मेहनत करता है या कैसी सुविधा मुहैया कराया जा सकता है। जान जोखिम में डालकर जो है लोग जो है सड़क पार करते हैं, और लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों को कंप्लेन करने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और अंततः ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। लोगों का कहना था कि इस पर कहीं ना कहीं सरकार और बिजली विभाग को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। श्रीकांत, इस पूरे मामले में क्या लगता है, लापरवाही किसकी है? बिजली विभाग की अगर लापरवाही है, अगर तार जर्जर हो चुका था तो उसे बदला क्यों नहीं गया? आपने विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? लगातार जो बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो उनका एक ही पता रहता है, जवाब मिलता है कि जी जनाब, हम इस पर देख रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी और हम उसको बदलने की प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन ये जो बदलने की या व्यवस्था सुधार की प्रक्रिया है ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जो प्रक्रिया कभी सामने नहीं आ पाती है, और अंततः इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल श्रीकांत, सही कहा आपने कि बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसी और व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आक्रोशित लोगों ने पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया है और विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की है। रामगढ़ जिले में एनआरसी और सीए को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा लिए कानून के विरोध में लोगों की एक आवाज थी, देश के विभाजन की साजिश बंद करो। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग पहले रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में जमा हुए और फिर हजारों की संख्या में जमा लोगों ने संविधान बचाओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि काला कानून वापस, उस दौरान घंटों यातायात बाधित रहा। आज एनआरसी सीएओ को लेकर के आज रामगढ़ की पूरी जनता, रामगढ़ के पूरी आवाम, हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर के हम लोग विरोध दर्ज किए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। जो काला कानून लाया है उस काला कानून को वापस करो, और देश में एक कानून होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, देश के किसी भी जाति किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जो काला कानून लाया है उसको वापस ले, अगर जब तक नहीं लेगा हम लोग, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, हम लोग इससे भी ज़्यादा पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। और खबर रांची से इस वक्त, जहां रिम्स में आज लालू यादव से मुलाकात का दिन है। यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी रिम्स पहुंचे, लालू यादव से उनसे मुलाकात करने नलिन वर्मा भी रिम्स पहुंचे हैं। नलिन वर्मा ने लालू यादव पर किताब लिखी है, गोपालगंज टू रायसीना, और
इस पुस्तक के लेखक है नलिन वर्मा और आज वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसके साथ ही यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका प्रसाद भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। संदीप, दो मुलाकाती के पहुंचने की खबर है, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और राइटर नलिन वर्मा, जिन्होंने एक किताब लिखी है लालू यादव पर, गोपालगंज टू रायसेना। इसके अलावा और एक और व्यक्ति कौन से है जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे? इस शनिवार का दिन है और लालू प्रसाद यादव से मुलाकाती का दिन होता है। अभी तक यदि बात करें तो कोई भी मुलाकाती की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक यदि बात करें तो जो यूपी के पूर्व मंत्री हैं अंबिका प्रसाद और लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक किताब लिखे हैं लेखक जो नलिन वर्मा है, वे पहुंचे हैं। फिलहाल वे इंतजार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद का कब आदेश आता है ऊपर से और वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए जाएंगे। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे रिम्स पेइंग वार्ड के बाहर का यह पूरा नजारा है जहां पे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए भी लोग बहुत कोई पहुंचे हैं। वहीं राजद के जो रांची झारखंड कार्यालय है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय कुमार सिंह, उनकी ओर से जो गरीब लोग हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह रांची में ठंड काफी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इनका जो मकसद है कि हर एक शनिवार को जिस दिन मुलाकाती का दिन होता है उस दिन जो गरीब लोग हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया जाए। और फिलहाल यदि बात करें तो काफी संख्या में यहाँ लोग आए हैं जिनको कंबल मिला है और कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग यह चाहते हैं कि जो ठंड है उससे इन्हें बचाया जाए और यही मकसद है उनका और इसी मकसद से लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। फिलहाल अभी तक यदि बात करें तो लालू प्रसाद यादव से किसी की मुलाकात नहीं हुई। बात करें तो सिर्फ झारखंड बिहार से ही नहीं हैं उनके चाहने वाले हैं वे लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। अब देखना यह होगा कि कितने देर के बाद लालू प्रसाद का ऊपर से आदेश होता है उसके बाद, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है मुलाकाती का मिलने का उसमें लालू प्रसाद की मुहर लगाते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव तीन लोगों का आज मुलाकाती के रूप में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम दुमका पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दुमका दौरा होगा। वे दुमका स्थित राजभवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। कल रविवार को वे स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और दुमका के प्रबुद्ध नागरिकों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। दोपहर में वे साहिबगंज जिले के भोगनाडीह जाएंगे जहां सिद्धो कान्हो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। भोगनाडीह में ही मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगेगा जिसमें वह लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद 4:30 बजे रांची लौट आएंगे। पलामू के सांसद बीरीराम ने कहा है कि देश की संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करना राज्य सरकार की बाध्यता होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी। सांसद बीरीराम ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इन उद्योग को लेकर व्यापक रूप से चर्चा करने की तैयारी में है। चतरा जिला मुख्यालय स्थित परिसदन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद बीरीराम ने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि हार के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है जिसके चलते हार जीत होती है। सर, आप पूर्व DGP भी रहे हैं सर, चुनाव का परिणाम आने के बाद जो है नक्सल गतिविधि बढ़ गया सर, उस पर क्या कहेंगे? सरकार को नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए और इस दिशा में निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, अन्यथा इस बात की तो संभावना हमेशा बनी रहती है कि यदि किसी प्रकार की कोई ढिलाई होती है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में तो उनको पनपने का मौका मिलता है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर देवघर और बासुकीनाथ की अनदेखी का आरोप लगाया है। बासुकीनाथ में पिछले दिनों हुए करंट हादसा में एक पंडा की मौत हो गई थी। दुबे ने कहा कि देवघर बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड
बना हुआ है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। श्राइन बोर्ड देवघर और बासुकीनाथ में आधारभूत संरचना को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए योजना बनाती है और उसे लागू कराती है, पर पिछले 3 साल से दोनों धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना पर काम नहीं हुआ है। साल में एक बार श्राइन बोर्ड की बैठक होती भी है तो केवल खानापूर्ति की जाती है। बासुकीनाथ के गर्भगृह में करंट की समस्या काफी पहले थी। यहाँ हादसे की आशंका भी कई बार जताई गई, पर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री का भी कई बार इन बातों की ओर से ध्यान आकृष्ट कराया गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरायकेला केचुआगढ़ अंतर्गत सालुकडी गांव में कुछ लोगों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि गजराज का आतंक लगातार जारी है। गांव में एक व्यक्ति को हाथी ने कुचल कर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और स्थानीय विधायक सविता महतो मौके पर पहुंची और जल्द जंगली हाथियों पर लगाम लगाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक ने मृतक के परिजनों से मिलकर दुख प्रकट किया। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया। खाने को मटन नहीं दिया तो गोली चला दी। गढ़वा में व्यवसायी को मटन के लिए गोली मार दी गई है। जिला मुख्यालय का चर्चित होटल जवाहर भोजनालय में 3 लोग देर रात पहुंचे, जहां मौजूद होटल संचालक से खाने के मेन्यू में बारे में पूछा गया, जहां उन्हें बताया गया कि मटन खत्म हो गया है, चिकन उपलब्ध है, लेकिन तीनों युवक मटन खाने की जिद पर अड़े रहे। इसे लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई और जाते जाते युवकों ने सबक सिखाने की बात कही। बाइक पर सवार होकर मुंह बांधे आए युवकों ने व्यवसायी सुनील को निशाना बनाकर गोली चला दी, जिसमें वह घायल हो गया। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, हालांकि फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चतरा में वन विभाग के वनरक्षियों ने सेवा संपुष्टि और वेतन वृद्धि के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा का बहिष्कार किया। वनरक्षियों का आरोप है कि सेवा संपुष्टि के लिए आयोजित परीक्षा पूरी तरह से अवैध है। वन विभाग द्वारा 2 वर्ष पहले नियुक्त किए गए वनरक्षकों के साथ शोषण किया जा रहा है। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा 2 वर्ष पहले वनरक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वन विभाग सेवा संपुष्टि और वेतन वृद्धि के लिए विभागीय परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में चतरा जिला मुख्यालय स्थित डीएवी स्कूल के पास वनरक्षकों ने धरना दिया। वनरक्षकों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हम लोग आज विभागीय परीक्षा का यहाँ बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम लोग को कार्य करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और 2 साल के दौरान में न सेवा संपुष्टि हुई है और न ही इंक्रीमेंट का लाभ दिया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और इसका पुरजोर बहिष्कार करते हैं। देवघर के महिषमारा में मां शाकंभरी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। समाज सेवी सुनील खवारे की ओर से आयोजित इस पूजा में हर रोज श्रद्धालु मां शाकंभरी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 5 जनवरी को मां शाकंभरी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। ये माता शाकंभरी जो कि दुर्गा का ही एक रूप है, पौष महीना में होता है। ये यहाँ पर महिषमारा में मेरे आवास पर मनाया जा रहा है और ये ऐसे तो 10 दिवसीय है, लेकिन ये मुख्य रूप से षष्ठी से बिल्व बोधन पूजा के साथ शुरू होता है और विजयादशमी में विसर्जन के बाद होता है। काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं, हजारों लोगों के साथ मना रहे हैं। रोज़ 4 दिन से यहाँ पर माँ के दरबार में भंडारे का आयोजन हो रहा है जो कि कल तक जारी रहे। इसके साथ अपन झारखंड में फिलहाल इतना ही।